नमस्कार, आप देख रहे हैं युगचर। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अफगानिस्तान के बदखशाखा इलाके में एक प्लेन क्रैश होने की खबर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मीडिया हाउस ने इसके भारतीय विमान होने की जानकारी दी थी। हालांकि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया कि ये प्लेन भारत का नहीं है, ये मोरक्को में रजिस्टर्ड छोटा एयरक्राफ्ट है। इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया हाउस समा ने बदखशा प्रांत के पुलिस कमांड के हवाले से जानकारी दी थी कि प्लेन कल रात रडार से गायब हो गया था। इसके बाद ये जेबाग जिले के पर्वतीय इलाके में क्रैश हो गया। दोपहर 12:45 पर अफगानी मीडिया के हवाले से कहा गया कि ये विमान भारत का है जो मॉस्को जा रहा था। आधे घंटे के भीतर ये जानकारी आई कि ये भारत का पैसेंजर प्लेन नहीं है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से कोई भी भारतीय विमान उनकी एयर स्पेस से होते हुए नहीं उड़ रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए दिल्ली एम्स ने हाफ डे की छुट्टी का फैसला वापस ले लिया है। विपक्षी नेताओं ने अस्पताल के फैसले का विरोध किया था, साथ ही सोशल मीडिया पर भी लोग इसका विरोध कर रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए दिल्ली एम्स समेत 5 बड़े अस्पतालों ने शनिवार को हाफ डे की छुट्टी घोषित की थी। सफदरगंज, राम मनोहर लोहिया और लेडी हार्डिंग समेत भुवनेश्वर के एम्स ने भी हाफ डे की घोषणा की है। 20 जनवरी को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इन 5 अस्पतालों में दोपहर 2:30 बजे तक ओपीडी की सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। एम्स ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नोटिस जारी कर बताया कि सोमवार को इंस्टीट्यूट 2:30 बजे तक बंद रहेगा। सभी डिपार्टमेंट हेड्स अपने कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी। शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर फैसले का विरोध करते हुए तंज कसा है। प्रियंका ने लिखा, हेलो इंसानों, कृपया 22 तारीख को मेडिकल इमरजेंसी में न जाएं। आप इसे दोपहर 2 बजे के बाद के लिए शेड्यूल कर लें, ताकि एम्स दिल्ली मर्यादा पुरुषोत्तम राम के स्वागत के लिए समय निकाल ले। प्रभु श्री राम अपनी नगरी अयोध्या में विराजमान होकर अब अपने भक्तों को जल्द ही दर्शन देंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह का आज 6ठा दिन है। यात्रा में 1100 महिलाएं डीजे पर डांस करती हुई कलश यात्रा के साथ शामिल हुई। वहीं इस यात्रा में शामिल हुए विधायक कालीचरण सराफ ने कहा, अयोध्या का निमंत्रण ठुकराने में कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यकर्ता की गलती नहीं है। उनके नेता हिंदू समाज को नहीं मानती, वो क्रिश्चियन है, इसलिए उसके आधार पर कांग्रेस चलती है। कलश यात्रा में मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक कालीचरण सराफ शामिल हुए। विधायक के नेतृत्व में यात्रा मोती डूंगरी गणेश मंदिर से राजा पार्क बाजार होते हुए आदर्श नगर स्थित राम मंदिर तक निकाली गई। यात्रा का जगह जगह व्यापारियों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। राम मंदिर पहुंचकर यात्रा का समापन हुआ। इसके बाद महिलाओं ने मंदिर परिसर में डीजे पर जमकर डांस किया। महिलाएं मंदिर के अंदर रामलला की मूर्ति के सामने बैठकर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। जयपुराइट्स प्रभु श्री राम के दर्शन अब बड़े पर्दे पर कर सकेंगे। जहां युवाओं के फिल्म स्टार्स की चमक होती है, अब वहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय जयकार गूंजेगी। जी हां, फिल्म हॉल में अयोध्या में होने वाली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लाइव देखा जा सकेगा। इसके लिए अनूठी पहल मल्टीप्लेक्स चेन PVR आईनॉक्स ने की है, और सोमवार को राम मंदिर के ऐतिहासिक उद्घाटन के दौरान होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा की स्क्रीनिंग सिनेमा स्क्रीन पर की जाएगी। गौरतलब है कि बॉलीवुड मूवी का गढ़ सिनेमा हॉल अब राम जी के लिए बुक होगा और वहां प्राण प्रतिष्ठा दिखाई जाएगी। इससे पहले सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे आयोजन ही बड़े पर्दे पर दिखाए जाते रहे हैं। PVR आईनॉक्स भारत के 70 शहरों में 160 सिनेमाघरों में समारोह का लाइव प्रसारण करेगा। पूरे धार्मिक समारोह की लाइव स्क्रीनिंग दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक होगी। इसके लिए जयपुराइट सिनेमाघर जा सकते हैं और भारी साउंड और HD क्वालिटी से बड़े पर्दे पर प्राण प्रतिष्ठा को देख सकते हैं। जयपुर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जश्न शुरू हो गया है। इसे लेकर रविवार को मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर में सुबह 9 बजे से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। आज से अस्थायी गर्भगृह में रामलला के दर्शन नहीं हो पाएंगे। अब 22 जनवरी को होने वाले भव्य कार्यक्रम के बाद प्रभु श्री राम अपने भक्तों को 23 जनवरी से दर्शन देंगे। अयोध्या इतिहास रचने के बहुत करीब है। जिस दिन का सभी सनातनियों को अरसों से इंतजार था, वो दिन बस आने ही वाला है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में अब प्रभु विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर। तब तक के लिए नमस्कार।